अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। और नाउ आप सबको पता है कि हम लोग फिजियोलॉजी डील कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजी में आपको पढ़ा रही हूँ। और फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है डिप्लोमा के लिए, ठीक है? एंड आज हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक, ठीक है? दैट इज अ टॉपिक, टुडे टॉपिक। आते हैं, वॉट इज बेसिकली स्टमक। स्टमक का अगर हम लोग ले लें, ठीक है, कि मेन मतलब क्या है स्टमक का, तो स्टमक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए सैक, अब सैक का मतलब क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल इसके अगर हम शेप ले लें तो इट इज लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, सैक लाइक एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड एक्सपेंशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिटवीन द एसोफेगस। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो फर्स्ट ऊपर हमारे पास एसोफेगस होगा, ठीक है, नीचे हमारे पास आएगा स्टमक, ठीक है, और लास्ट में जो एंड होगा इनके, यहाँ पर जो एंड होगा वो किस चीज पर एंड होगा? दैट इज एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन पर यह एंड होता है। अच्छा, इट इज लोकेटेड, अच्छा इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर देखिए एब्डोमिनल कैविटी के इंटीरियर साइड पे होता है और मोस्ट वर्टिब्रेट में। अच्छा, द स्टमक सर्व एज अ टेम्पररी रिसेप्टिकल, ठीक है, फॉर स्टोरेज। अभी देखिए फूड स्टोरेज का काम करता है एंड मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल? यहाँ पर हमारे पास बाय फोर्स डाइजेशन, जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने के बाद फूड की जो ब्रेक डाउन करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एम व्हाट, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है? सो दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ अ फूड बिफोर इट पास इनटू द इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन से पहले, पास होने से पहले हमारे पास फूड को स्टोर करेगा और इसकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अब आते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द फिजियोलॉजी, मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी में टच दे दूं। फर्स्ट, रीजन ऑफ स्टमक। सो स्टमक जो है वो हमारे पास नॉर्मली फाइव रीजन पे डिवाइड करता है, ठीक है? फर्स्ट वन है कार्डिया। अच्छा, व्हाट इज द कार्डिया? कार्डिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है, इट इज द फर्स्ट वन। अब रीजन पढ़ रहे हैं तो जाहिर है हमारे पास फर्स्ट वन बिलो द एसोफेगस, मतलब एसोफेगस से जो फर्स्ट रीजन आता है वो हमारे पास क्या आएगा, स्टमक का कार्डिक पार्ट आएगा। इट कॉन्टेन द कार्डिक स्फिंक्टर। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय कार्डिक स्फिंक्टर? कार्डिक स्फिंक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मसल्स। हमारे पास हार्ट के करीब होता है, इस वजह से हम लोग उसको कार्डिक का नाम देते हैं। और स्फिंक्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मसल्स, ठीक है? तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, विल कॉल्ड एम व्हाट, कार्डिक स्फिंक्टर। अच्छा, विच इज अ थिन रिंग ऑफ मसल दैट हेल्प टू प्रिवेंट स्टमक कंटेंट फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द एसोफेगस। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय दिस? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास स्टमक है, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद ये देखिए स्टमक, रक्स डायग्राम बना रही हूँ आप लोगों को, फिर अभी मैं दिखा दूँ। अब ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रीजन, एंड दैट फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कार्डिक स्फिंक्टर। सेकंड वन पार्ट जो है वो है हमारे पास, दैट इज द सेकंड वन, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट था जो कि हम लोग क्या कहेंगे, कार्डिक स्फिंक्टर। दूसरा क्या है, सेकंड वन, दैट इज द फंडस। अच्छा, फंडस इज द राउंडेड एरिया, ठीक है, दैट लाई टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया। अब लेफ्ट ऑफ द कार्डिया होगा एंड बिलो द डायफ्राम। सो ये वाला जो रीजन है, ये आपको मैं भी हर डायग्राम में भी करवा दूंगी, ये वाला पार्ट हमारे पास आएगा सेकंड वन, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द फंडस। अच्छा, द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट। अब सबसे जो थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है, हमारे पास टू पार्ट मैंने आपको करवाया, वन इज कॉल्ड कार्डिक। अब ये थर्ड वन जो रीजन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड कॉल्ड बॉडी। फर्स्ट इज कार्डिक, ठीक है, कार्डिया, सेकंड वन इज फंडस, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड कॉल्ड द बॉडी। बॉडी इज द लार्जेस्ट मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, दिस इज वेयर फूड इज मिक्सड एंड स्टार्ट ब्रेक डाउन। अच्छा, हमारे पास ये तीन रीजन करवाया, फर्स्ट वन इज कार्डिया, ठीक है, मैंने आपको करवाया, सेकंड वन अभी हमारे पास क्या बचे, फंडस है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है, बॉडी। फोर्थ वन फंक्शन ले ले, फोर्थ वन इज कॉल्ड द एंट्रियम, ठीक है, एंड इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। इसके खैर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूं।
एंट्रम होल्ड द ब्रोकन डाउन ऑफ फूड अंटिल, ठीक है, अंटिल इट इज रेडी टू बी रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं, वहां पर जो फूड मौजूद होता है हम लोग उसको कहते हैं एंट्रम, एंड इट इज समटाइम कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन देखिए बच्चे. अब सबसे जो लास्ट वन पार्ट है स्टमक का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं. सो दिस वन इज कॉल्ड द पाइलोरिस एंड दैट इज द फिफ्थ वन पार्ट. ठीक है, तो फिफ्थ वन पार्ट हमारे पास क्या आएगा, पाइलोरिस. पाइलोरिस स्टमक इज द पार्ट ऑफ स्टमक दैट कनेक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, आपके पास ये जो पार्ट कनेक्ट किससे है बच्चे, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है. दिस रीजन इंक्लूड, ये हमारे पास इंक्लूड क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से इंक्लूड है, विच इज थिक. अब यहाँ पर मैंने आपको स्फिंक्टर का मतलब करवा दिया था. स्फिंक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द मीन ऑफ व्हाट, मीन ऑफ मसल. तो हमारे पास आप लोग इससे मतलब ले लें कि स्फिंक्टर का मतलब है मसल, विच इज थिक रिंग ऑफ मसल दैट एक्ट एज अ वॉल्व. ठीक है, जो एक्ट किसकी तरह करेगा, वॉल्व की तरह करेगा, टू कंट्रोल एम्प्टिंग ऑफ स्टमक. स्टमक को कॉन्टेक्ट, अब स्टमक के कॉन्टेंट को हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बच्चे, कार. ये देखिए आपको अभी नजर आ रहा होगा, That word is used, और इस word को हम लोग क्या करेंगे, called हम काइन. काइन के बाद ये जो ड्यूडिनम है ये आएगा, और दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ड्यूडिनम. दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, द पाइलोरिक स्फिंक्टर आल्सो प्रिवेंट, ठीक है, द कॉन्टेंट ऑफ द ड्यूडिनम फ्रॉम गोइंग बैक टू द स्टमक. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से पार्ट, ये मैं आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि इसको दोबारा आने से क्या करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको रोकता है. इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू करवाती हूँ, बच्चों फिर से ही समझ आएगी. अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज अ पूरा का पूरा स्टमक की आपको जनरल इनॉटमी में करवाती हूँ. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कार्डिया. ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैंने आपको भी करवाया बच्चे, क्या है, कार्डिया. ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर मैंने वहां पे करवाया क्या है, फंडस, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज द सेकंड वन पार्ट ऑफ द. तो इसको मैं शायद दूसरे शेप से आपको शो कर लेती हूँ. सेकंड वन पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा, फंडस, ये वाला रीजन. ठीक है, अच्छा थर्ड वन पार्ट जो सबसे लार्जेस्ट वन पार्ट था, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द बॉडी. वहां पे मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली पांच रीजन होते हैं, तो थर्ड वन पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी. सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक. अच्छा, फोर्थ वन पार्ट यहाँ पर, ये वाला रीजन जो है ये आपको भी नजर आ रहा होगा, दैट इज द फोर्थ वन पार्ट ऑफ द स्टमक. ठीक है, एंड दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंट्रम. ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है ये फोर्थ नंबर पे है, और हम लोग उसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम. ठीक है, फिफ्थ वन पार्ट पे आते हैं, तो फिफ्थ वन पार्ट जो है वो जहाँ पे ये एंड होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर पे एंड पर, सो दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो ये देखिए बच्चे आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास फाइव पार्ट्स है. ठीक है, पार्ट ऑफ स्टमक पे आ रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्डिया, सेकेंड वन हमारे पास क्या बच्चे, फंडस है, थर्ड वन हमारे पास क्या है, बॉडी है. ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास क्या कहलाएगा, पाइलोरिक एंट्रियम, एंड फिफ्थ वन जो है वो है हमारे पास जो एंड होता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यू कॉल्ड इट पाइलोरिक स्फिंक्टर. अच्छा, अब इसको मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ आप लोग को समझाने के लिए. अच्छा, ये जो हिस्सा है इसको खैर मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ, ये हिस्सा. ठीक है, अब ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसोफेगस. ये आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, ये वाला हिस्सा. ठीक है, अब एसोफेगस जो है वो इस तरह एंड होता है, तो ये देखिए एक एलिवेटेड पार्ट है. अब एसोफेगस एंड होगा जिस पार्ट पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट वन पार्ट इज फॉरवर्ड कार्डिया, सेकेंड वन पार्ट इज फॉरवर्ड कार्ड फंडस. ये देखिए ये वाला पार्ट, ये हिस्सा जहां से गैस्ट्रिक सिचुएशन स्टार्ट होती है. ठीक है, थर्ड वन पार्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉडी. अच्छा, बिसाइड दिस ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कुछ लिखा है सिरोसा और व्हाटएवर, दैट इज अ सिरोसा. सिरोसा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ स्टमक लेयर, फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, फर्स्ट आउटर. ठीक है,
मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड सीरोसा, कॉल्ड सीरोसा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर के बेसिकली हमारे पास व्हाट इज द सीरोसा, तो सीरोसा फर्स्ट आउटर लेयर। तो आपका जो स्टमक है ये देखिए बाहर से जो आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड हैम व्हाट सीरोसा। अच्छा ये जो सेकंड वन लेयर है ये मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला लेयर। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट वन मस्कुलर लेयर होता है, ये कंप्लीट, ये देखिए थ्री नेम लिखे हैं यहाँ पर, अगर इसको मैं यहाँ पर ऐसे शो करूंगा, ये मेरे पास एंड दैट इज व्हाट दैट इज द मस्कुलर लेयर। अब मस्कुलर लेयर जो है वो स्टमक का, स्टमक की वॉल की बात करें तो दैट इज द सेकंड वन। अब सेकंड वन हमारे पास क्या है, मस्कुलर लेयर, और ये जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास क्या था बच्चे, सीरोसा, क्लियर। अच्छा मस्कुलर लेयर देखिए, मस्कुलर लेयर को मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से शो करूंगी, तो अगर मैं इसको ग्रीन से शो करूं, अच्छा अब इसमें मुख्तलिफ रीजन होते हैं, सेम बच्चे हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल से बने, ये देखिए लंबे लंबे मसल्स हैं, ठीक है। सेकंड वन है सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लेयर देखिए बच्चे, सर्कुलर देखिए सर्कुलर मसल से बनेंगे, आपको स्ट्रिप नजर आ रही होगी। अच्छा थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे, ऑब्लिक लेयर है, तो ऑब्लिक लेयर देखिए उसमें जो मसल लेयर है वो ऐसे कर्व होता है, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट लेयर हमारे पास क्या कहलाएगा, सीरोसा, ठीक है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। एंड द सेकंड वन जो उसकी लेयर है, अगर उसकी दीवार की बात करें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मस्कुलर एक्सटर्नल। अच्छा दूसरा जो है थर्ड लेयर, खैर यहाँ पर इधर शो नहीं किया तो खैर मैं इसको दोबारा शो करती हूँ, खुद ब खुद शो करती हूँ। और जो थर्ड लेयर है स्टमक का, इसको मैं खैर डिफरेंट कलर से, आई थिंक हियर इज इनफ, ये वाला अंदर वाला। अब जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज द थर्ड वन लेयर ऑफ द मसल, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द म्यूकोसा, जहां पर फूड स्टोर होता है, जहां पर फूड आता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड लेयर है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, म्यूकोसा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीरोसा, सेकंड वन इज कॉल्ड मस्कुलर एक्सटर्नल, ठीक है, एंड द थर्ड वन लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। अच्छा सीरोसा सबसे आउटर लेयर ऑफ स्टमक होगा, दरमियान जो तीन लेयर्स ऑफ मसल है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, सर्कुलर लेयर है और ऑब्लिक लेयर है, और जो लास्ट अंदर वाले जहां पर फूड आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा। अच्छा म्यूकोसा में आपको ये रफ रफ पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, ये देखिए आप लोगों को अभी ये देखिए इस तरीके से शेप, आपको रफ रफ पार्ट नजर आते हैं, आपका मसल स्टमक जो है वो अंदर से बिल्कुल क्लीन नहीं होता, उसमें देखिए इस तरह रफ रफ के पार्ट होते हैं, एंड दैट रफ पार्ट इज कॉल्ड रेगुलर म्यूकोसा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ पर इसको हम लोग ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है, म्यूकोसा और ल्यूमन में कंफ्यूज ना, जहां पर फूड आता है। अच्छा बिसाइड दिस ये देखिए स्टमक में कर्व होते हैं, इसको मैं अगर आई होप सो इस लाइन से शो करूं, तो ये देखिए स्टमक में ये आपको नजर आ रहा होगा ये लेयर है, ये देखिए ये वाले लेयर, ठीक है, ये देखिए एक आउटर कर्व है, ये देखिए एक आउटर कर्व आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ऐसे बड़ा कर्व। अब बड़े कर्व को हम लोग कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर, ये देखिए ये वाला, और जो छोटा कर्व है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड हिम व्हाट लेजर कर्वेचर, अंडरस्टैंड। तो दैट इज द जनरल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। अच्छा इसके अलावा स्टमक एंड होता है हमारे पास कहाँ पर, जो लास्ट रीजन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये इंटर होगा ये वाला पार्ट, तो दिस वन इज कॉल्ड द ड्यूडेनम, ये आपको नजर आ रहा होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पर ये इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास ये स्टमक एंड होता है, ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा होगा ये वॉल्व होते हैं, ये देखिए वॉल्व। अच्छा जब ये वॉल्व, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब आपका फूड, अगर फूड यहाँ से हमारे पास टाइम शिफ्ट हो जाए तो ये वॉल्व क्या हो जाता है बच्चे, ये वॉल्व हो जाते हैं क्लोज, ठीक है, व्हाट इट्स मेन फंक्शन, ये वॉल्व कंप्लीटली क्या करेगा, ये इस स्टमक को क्लोज करेगा। अच्छा इसका फायदा क्या होता है कि जो फूड होता है ये वापस स्टमक में नहीं आता, अंडरस्टैंड बच्चे, इसका मेन फायदा क्या है कि ये जो फूड है ये स्टमक में वापस नहीं आता और ये वॉल्व यहाँ पर क्लोज हो जाता है। सो ये मेरे पास था एनाटॉमी ऑफ स्टमक।
और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है।